हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। घर में थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया था तो सोचा चलो ले आते हैं जाके। और एक बार देखो, सूरज भी निकल आया है। काफ़ी टाइम के बाद इसकी रोशनी देखने को मिल रही है और ये तपश जो लग रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो रखे के बाद जैसे हमने खिड़की खोली, खिड़की खोलने के बाद हमने देखा कि इतनी खूबसूरत सी रोशनी आते हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इतने टाइम के बाद जब सूरज देखते हो ना, इसकी रोशनी देखते हो, तो हर जगह ऐसे रोशन मीनार हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये गाड़ियों का शोर और ये गाड़ियाँ चलते हुए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आए हैं। और मौसम की बात की जाए तो हम लोग देख सकते हो टेम्परेचर इस वक्त हो रखा है 8 डिग्री, जो कि बहुत अच्छा है। काफ़ी टाइम से इतना बढ़ता हुआ टेम्परेचर नहीं देखा था, आज देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत। बाकी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ये गाड़ियाँ लगी हुई ओडी के बाहर। तो अभी घर से निकले थे, छोटा सा हादसा हो गया। क्या हो गया, आपने मुंह क्यों बना रखा है? दिमाग खराब कर दिया, साइकिल का लॉक कर लगा, मेरे साथ लॉक कर दिया उसने, मेरे साइकिल के साथ। पागल लोग। तुम लोगों को बताते हैं हुआ क्या। ज़रूरी नहीं है भाई, कोई वो कहते ना भाई, अपने पंजाबी कहते हैं भाई अनपढ़ लोग, इतने अनपढ़ लोग है गए हैं, महान अनपढ़ निकम्मे लोग, पता ही कुछ नहीं, किदा मैं दिमाग ही लगाना उन्होंने साइकिल लॉक लगाना, दूसरे साइकिल हमें इकट्ठे करके लॉक लगाता अपना, ना वो जान जोगा है। हुआ यही कि जाने लगे थे तो हमने सोचा था कि सामान भारी है तो साइकिल लेके जाते हैं, जहाँ पे साइकिल का स्टैंड होता है उसी के साथ पापा ने अपना साइकिल लगा रखा था। पर जो दूसरा साइकिल था किसी और का, उसने साइकिल स्टैंड के साथ उसकी बजाय हमारे साइकिल के साथ लॉक लगा दिया, कि उसका साइकिल तो कहीं जाना नहीं जाना, हमारा साइकिल भी नहीं कहीं जा सकता वो। तो उसको कोशिश कर रहे थे कॉन्टेक्ट करने की जिसका है, कोई रिप्लाई तो आया नहीं। और बाकी कोई नहीं, अब हम फिर ऐसे ही जा रहे हैं अपनी 11 नंबर की बस पर। और वैसे आज छुट्टी थी मेरे को, तो मैंने सोचा तुम लोगों को चलते हैं लेके बिस्टर विलेज। पर मेरे को मैसेज आया कि भाई जिसको नाइट शिफ्ट के लिए चाहिए शिफ्ट तो मैसेज कर दो, मैंने कर दिया और मेरे को शिफ्ट मिल गई। तो उस कारण तो अब मैं कहीं जा नहीं सकता, तो सोचा कि तुम लोगों को यहीं कहीं पास ही में दिखा देता हूँ जितना बना सकता हूँ। और बस निकल रहे हैं, किसी और दिन जाएंगे। ओ भाई, पहले लुक में तो भाई मेरे को लगा कि जी ओ आई है, थार आई है यहाँ पर यहाँ पे जीप रेंगलर कोई नहीं। और वहाँ पे जाना हमने, वो देख सकते तुम बोर्ड लगे हुए, यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए जाएंगे। अभी तो निकल नहीं सकते यहाँ पे, तुम लोगों को मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कई वीडियो पहले कि इस बटन को प्रेस करने का होता है तो यहाँ पर ये जो लाइट है जग पड़ती है, कि जो सिम्बलाइज करती है कि आपके लिए ग्रीन लाइट कर देगी थोड़ी ही देर में वहाँ पर। तो जैसे ही उस सिग्नल पे रेड लाइट होगा, यहाँ पे हमारे लिए ग्रीन लाइट कर देगा। और तुम लोगों को दिखाते हैं कैसे, ये देखो गाड़ी आके रुक गई और ये हमारे लिए ग्रीन लाइट हो गई, तो हम इस पर चल सकते हैं अब मज़े से। और थोड़ी ही देर बाद ये ब्रेड में टर्न हो जाएगी, ठीक है। और तुम लोगों को बता रखा है ये मिनी कूपर का बहुत बड़ा एक प्लांट है, ठीक है, तुम देख सकते हो कितना ही फैला हुआ, वो लास्ट से लेके वो कितना पीछे तक जाके है, जहाँ तक हमने उस वीडियो में बताया था, बहुत पहले कुछ 4-5 वीडियो पहले तुम लोगों को बताया था जब हम वहाँ गए थे, तो उस साइड का तुम लोगों को दिखाया था लास्ट तक कि कहाँ तक वो प्लांट फैला हुआ है। उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा है, उस साइड तो कभी गए ही नहीं, इस साइड गए थे तो इस साइड का तुम लोगों को दिखा दिया। बाकी हम चलते हैं अब इधर, उसके लिए हमें फिर वेट करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि पापा। और वो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जगमगाता हुआ ये सूरज की तपश और ये सूरज की रोशनी इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है आज काफ़ी टाइम के बाद। और देखो ट्यूबलाइट फोड़ी हुई, आज काफ़ी टाइम के बाद ऐसे रोशनी देखने को मिल रही है, नहीं तो होती है रोशनी पर बादल बादल बहुत होते हैं, जिस कारण काफ़ी कुछ ऐसे ही खराब खराब सा लगता है। चलो अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके जो सामान खरीदना है वो खरीदते हैं और निकलते हैं जल्दी। बिल्कुल।
और ये फूलों के गुलदस्ते। अभी हमने लेना है आटा और चावल, तो वही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर मिलेगा। बाकी जिस किसी को भी किसी भी तरीके की ज़रूरत होगी जो यहाँ पे रहते हैं, उनको हर प्रकार की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिल जाती हैं। बस वो है कि मतलब जो नॉर्मल घर की चीज़ें होती हैं वही मिलेंगी। तुम अगर बोलो कि मोबाइल फ़ोन या ये सब कुछ नहीं मिलेगा, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी तुम्हें आसानी से यहाँ से। और बाकी हम चॉकलेट के सेक्शन में क्यों आ गए हैं आई डोंट नो। और ये आइसक्रीम्स ही आइसक्रीम्स तुम देख सकते हो। और ये देखो जूसेस वगैरह और ये फजीता रैप वगैरह तुम लोग देख सकते हो। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी तुम लोगों को। और ये आ गए राइस, देख सकते हो कितने प्रकार के राइस हैं ये। अगर तुम लोगों के पास क्लब कार्ड है तो तुम 13 पाउंड में ख़रीद सकते हो, नहीं तो 16 पाउंड से ख़रीदोगे भाई साहब जी। पिछली बारी 4 किलो है या 5 किलो है देख लो जैसा ठीक लगे। पिताश्री वो लेके घूम रहे हैं। हमको ये समझ नहीं आया हम लोगों ने भी वो रोलर कोस्टर सा वो क्यों नहीं लिया ट्रॉली। वो पकड़ा दो ना मेरे को, वो ये पकड़ा दो छोड़ो वो तो कर लेना छोड़ो 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 भैया हाथों में चुभ रहा है प्लास्टिक है ना इसलिए। और बाकी ये देखो कितनी सारी चॉकलेट्स वगैरह तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, हर प्रकार की चॉकलेट। और यहाँ पे हर प्रकार के तुम लोगों को ये रखो स्नीकर्स वाली आइसक्रीम भी तुम लोगों को मिल जाएगी। वाओ कितना भयंकर चीज़ है यार ये। और यहाँ पे हम स्कैन करेंगे ऑलरेडी इन द बैगिंग एरिया। ओके स्कैन करते हैं। और ये रहा स्कैनर, वो देखो वो हो गया टेस्को मीडियम आटा चपाती, सॉरी टेस्को मीडियम चपाती फ्लोर 10 किलो। और ये टिल्डा का राइस। और वो आगे तो ये दे दो ना आप अपने लिए, एक चौल ले ले एक आटे का वो ले लिया। हूँ आप फिर बाहर निकल आए, क्या खूबसूरत 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 दिन है आज का, बहुत खूबसूरत। अगर मैं सही बोलूं कि अगर आज के दिन भी अगर वो होता ना बादल बादल होते तो दिन अच्छा नहीं जाता। कोई बादल ही नहीं ऊपर देखो, क्लियर है, क्लियर वेदर। जब इंडिया में ऐसा होता था तो मम्मा से सुनने को मिलता था कि ऐसा जो मौसम होता ना जिसमें बादल नहीं होते तो मौसम खराब होने वाला होता है। ये निशानी होती है कि मौसम ख़राब हो सकता है जब एकदम नीला आसमान दिखे तुम लोगों को। और कई बार हुआ भी है ऐसे कि जब जब हमें ये नीला आसमान देखने को मिला है एकदम नीला तो हमेशा ही ख़राब हुआ है। और मेरे साथियों अब बज रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो 2:45 हो रहे हैं और मैं शिफ्ट के लिए निकल रहा हूँ। आज शिफ्ट है 4 बजे की, 4 से 11। तो अभी जस्ट मैं देख रहा था मेरे स्केड्यूल में कि वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था कि मेरी कोई शिफ्ट है आज की, तो मैंने सडनली मैंने सोचा यार कॉल करके देखते हैं क्या सीन बनता है। और मेरा ना
मेरा दिमाग इन्ना ज़्यादा घूम गया, मैं जो मतलब फोन किया तो उन्होंने क्या कहते तेरी शिफ्ट नहीं हैगी अज, तेरी शिफ्ट हैगी कल। मैं क्या है, मैं अज का अपना प्लैन बर्बाद किया, मैं अज का दिन कितने घूमन नहीं गया, मैं जाना ही अज जो प्लैन किया वो सारा कैंसल करके तुहाडे लई मैं अज रुकिया। तो तुम कहते भी हो कि नहीं हैगी शिफ्ट। फिर मैं उन्होंने दस्या, मैं क्या इदा मेरे जरा शिफ्ट मैनेजर हैगा उन्हें कहा कि तू आ सकता 4 to 11, तो वह की कहता पाया। तो हूँ उन्होंने गल हुई तो कहता कि हाँ तू आ जा कोई गल नहीं, जे नहीं ना आता मैं अज पै जाना ही अज मेरी मेरा मेरा कहने ना सबर का जोड़ा बांध हों वो टुट जाना ही। मैं बड़ा गुस्सा करना ही उस चीज़ उत्ते, बट एनी हाउ सब सैटलमेंट हुई है, कुछ चीज़ बर्बाद नहीं हुई। चलो हूँ जाने हूँ, एक बार एक तीन नज़ारे देखो, दोपहर का मौसम होगा कि शांति है, यहोजी शांति देखने मिलती है अपने इंडिया च भी दोपहर के टाइम पर, खासकर गर्मियों के टाइम बच्च लोग घर चो बाहर नहीं निकलते ही, दोपहर के टाइम अपने अपने घर सुते होंगे ही, इन्नी शांति होंगी इदा दी, बस जो छोटी मोटी जो रौला रप्पा आता है वह आता ही छोटे छोटे बच्चों का, क्यों क्योंकि वो खेलते होंगे ही या फिर स्कूल वगैरह तो वापस आना। वादा किया है कि तुम सुपर मार्केट दिखानी ही, मार्केट की दिखानी, मैनू छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी करके सारा प्लैन ही कैंसल हो गया मेरा। चलो हूँ कोई नहीं, बस फटते हैं, बस फड़न तो बाद चलते हैं अपने मैकडोनल्ड की ओर। देख रहे हो ये बस वाला इन्ना इन्नी इन्नी पीती दी हैगी है, इन्हें इन्ना नहीं लभ्या कि इतने स्टॉप है, इतने स्टॉप पर खड़ा मैं, तो सस्ते नशे करके गड्डिया चला आते, पता नहीं किस चीज़ का लाइसेंस लिता दा है इन्हें। मैं कहना ये जी देखो बस जी चला है ना बंदा जरा भी यदा लाइसेंस रद्द करो ना, इन लगता अगे पिछे कुछ भी, जब लोग कहें है अपने सारे ब्लाइंड स्पॉट्स जोड़े है देख के चलने होंगे है, ये तो कुछ भी नहीं दिखता, इन्हें तो मिरर तक नहीं देखा है कि बंदा कोई खड़ा भी है कि नहीं खड़ा, दौड़ के आता पाया कि नहीं आता पाया। बई इन्ना जहा मतलब इन्ना जहा क्लोज ही, जस्ट इन्ना जहा लिटल बिट, तो बई इन्हें तो गड्डी खिंचती। मैं क्या इन्ना छोड़ो यार, अज का दिन ही बड़ा माड़ा शुरू हो गया, काम तो जाना खुशी खुशी काम शुरू करना, पर इन्हें तो मूड सारा खराब करता मेरा। सो गाइस अभी जब शिफ्ट ख़त्म करके आया हूँ मैं, और यहीं पे उतरा बस स्टॉप पे, बस छोड़ के गई है मेरे को, और अभी देखो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, दस तो नहीं 10 से ऊपर ही टाइम हो गया, 10:30 हो रहे हैं, और तुम लोग देख सकते हो कि अभी भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं थोड़ी बहुत, और ठंड की अगर बात की जाए तो ठंड इतनी नहीं है, अभी टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री हो रखा है, बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है, एकदम अच्छा अच्छा मौसम है। और जैसे ही मैं उतरा उस टाइम पे, उतरते ही मैं देखा कि भाई टाइम ही बहुत थोड़ा बचा था मेरे पास, 15 मिनट बचे थे, तो मैं जल्दी से रेडी हुआ। रेडी होने के बाद तुम लोग देख सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने फ्लैक्सिंग कर रहा हूँ, ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मैं ये सुंदर सा लड़का तैयार होकर अब जॉब अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए जा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद जब मैंने शुरू कर दिया, फिर 3-4 घंटे के बाद मैं ब्रेक पे आया, फिर ब्रेक पे मेरे को तुम लोग देख सकते हो फ्राइज मिले थे, फ्राइज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक रैप मिला था मेरे को, और साथ में एक साइड्स की तरह मतलब कुछ तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, मीठा वगैरह या कुछ भी, तो उसमें मैंने क्रीम कैरेमल पाई लिया था, तो ये सब मेरा था ब्रेक के लिए। तो उसके बाद अभी मैं शिफ्ट ख़त्म करके तुम लोगों के सामने यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ पूरी दुनिया। और बाकी यही था इस व्लॉग के अंदर यार, और तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और इस बार इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी शक्ल कम दिखाने का ज़्यादा सोचा है, इसलिए मेरी शक्ल तुम लोगों को बहुत रेयर मतलब रेयर तो मतलब बहुत कम दिखी है, यही कारण है कि तुम लोगों को मैंने दिखाने पर ज़्यादा जोर दिया है। और बाकी तुम लोगों को अगर यही ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि तुम लोगों को दिखाना अच्छा लगता है, देन मैं ये तुम लोगों को दिखाऊंगा ज़्यादातर। और बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये अच्छी लगी तुम्हें तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट कर देना कुछ भी अच्छा सा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। और एक बार चंदा मामा को टाटा कर देते हैं, टाटा बाय बाय। चलो ये थे इस व्लॉग के अंदर, मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।